बॉम्बे हाईकोर्ट में एसटी कर्मचारियों की हड़ताल की अवधि करार देते हुए कर्मचारियों को वापस काम पर लौटने को कहा। हालांकि शुक्रवार को दिन भर यात्रियों की हड़ताल की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। निजी बसों की राहत की उम्मीद लगाए बैठे यात्रियों की उम्मीद ही टूट जब निजी बसों ने 4 से 5 गुना किराया बढ़ा दिया था। हैरान परेशान यात्री चाहे तो चाहे कैसी स्थिति में रह गए। वेतन बढ़ोतरी का करार करने का वक्त आने के बावजूद करार नहीं करने से नाराज हुए एसटी कर्मचारियों ने वेतन की वृद्धि की मांग को लेकर 17 अक्टूबर रात में बसों को नहीं चलाने का ऐलान कर दिया था। बेमुताबिक हड़ताल की घोषणा कर बसों में नहीं चलाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में दीपावली के उपलक्ष्य में बाहर जाने वाले और बाहर से आने वाले नागपुर में यात्रियों की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दीपावली के दिन भी शुक्रवार को भी अधिकांश यात्रियों ने दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भाई दूज के लिए कई बहनें बाहर गांव अपने भाइयों के घर जाती है, वही घूमने फिरने के इरादे से भी कई लोगों ने बाहर जाते हैं, लेकिन बस बंद रहने से ऐसे यात्रियों की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाहर अव्यवस्था की स्थिति में लगाई बसों के बावजूद यात्रियों की बस स्टैंड के परिसर में पहुंच रहे थे, लेकिन यहां आकर भी उन्हें मायूसी मिल रही थी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ जय इंडिया न्यूज की रिपोर्ट।